देखिए कि सारी चिड़िया अच्छे मिल रहे हैं, सामने कुछ नहीं दिख रहा, सारे के सारे बादल नीचे गिर गए हैं। ऐसा लग रहा है, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ सुबह का, अर्ली मॉर्निंग का। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह 6:15 उठ गए थे, बट काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रखा था तो हम लोग कमरे में ही सोए रहे। अभी बज गए हैं सुबह के 9 और पीछे का व्यू देखिए कितना सुंदर है। और यहाँ पे है डैम। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग डुगू, डुगू गुड मॉर्निंग बोलो। दुक्कू अभी भी नींद में है। सो लेट मी शो यू रूम। तो ये है पूरी बालकनी, यहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट है। अभी यहाँ कपड़े सूख रहे हैं एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे। ये है रूम। यहाँ पे सोए हुए हैं। ये है डुक्कू। डुगू आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे चारों तरफ सामान फैला हुआ है। डुगू नो रिसेप्शन। This is our room 102. Okay guys, so I am ready and we all are ready. और हम लोग निकल रहे हैं अब कुछ ब्रेकफास्ट के लिए। हम मेन प्रॉपर जो तोश विलेज है वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे होटल जो है, क्योंकि हमको थोड़ा सा ना सीनिक लोकेशन चाहिए थी तो हमने थोड़ा सा ये अंदर जाके लिया था, बट खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे कैफेज वगैरह वहाँ पे है, तो वहीं जा रहे हैं। एंड मैंने पहनी है ये टी शर्ट ड्रेस। डुगो यहाँ देखो, अरे वाह, अरे वाह, ये क्या डांस था। आप एक्साइटेड हो? हाय गाइस, हेलो बोल दो गाइस। हेलो, हेलो बोलो। हेलो। सो हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे तोश विलेज में। कैफे है, जर्मन बेकरी एंड कैफे, काफी फेमस है, हम वहीं जा रहे हैं। हम लोग ऊपर रुके हैं फॉर द सीनिक ब्यूटी और हमारी गाड़ी भी नीचे ही खड़ी है, तो हम लोग वहीं पे कुछ खाने पीने जा रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। सो हम लोग वहाँ पे पहुँच के हिमाचली जो ट्रेडिशनल फूड है वो देखेंगे। मेरा बहुत मन है सिद्धू खाने का। आई हैव हर्ड सो मैनी गुड कॉमेंट्स कि बहुत टेस्टी होता है, सो आई विल ऑल्सो ट्राई कैसा होता है। एंड इसके अलावा देखते हैं क्या मिलता है खाने को। एंड आई विल शो यू द विलेज ऑल्सो बिकॉज वो बहुत मस्त है देखना, काफ़ी पुराना गांव है। तो थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ रहा है नीचे, इट्स ऑलमोस्ट 1 or 2 kilometers का ही ट्रैक है, बट हाँ थोड़ा सा रस्तों की वजह से काफ़ी लंबा हो जाता है ट्रैक। गाइज ये देखो, सेब के पेड़, सेब लगे हुए हैं। तो गाइज ये देखिए, सिशूर का पेड़, और ये उत्तराखंड में भी होता है और ये हिमाचल में भी है। अगर ये एक बार आपको लग जाता है ना तो जो इसके कांटे होते हैं बहुत देर तक असर करता है इसमें। बच्चों क्या कर रहे हो? क्या खेल रहे हो बच्चों? कुछ नहीं खेल रहे। सो ये है यहाँ का ओल्ड टेम्पल, दिस इज नॉट फॉर आउटसाइडर। ये है विलेज। डुगू आपको पानी पीना है? क्या पीना है आपको?
सो फाइनली हम लोग हैं जर्मन बेकरी एंड कैफे में एंड वी आर ऑर्डरिंग आर फूड. तो मैंने बोला कि सिद्धू है यहाँ पे, बट कह रहे हैं कि वो कसौल में मिलेगा. तो लेट्स सी कसौल में मिलता है या नहीं. Stopping is very good. So guys, ये है किलमड़ी का पेड़. ये हमारे उत्तराखंड में भी आपको मिल जाएंगे और यहाँ भी है. यहाँ पता नहीं से क्या बोलते हैं. और डुगू कतई चले जा रहे हैं, कह रहा है मैं खुद चलूँगा. वाओ, हॉर्स है. और ये देखो अगेन सेब का पेड़. तो हम लोग फाइनली अपने होटल में आ चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे नीचे वाटरफॉल में. यहाँ पे इस पहाड़ के पीछे कहीं पे है, वहाँ जाएंगे ट्रैकिंग करते हुए और वहीं पे सोचा है नहाएंगे. एंड वैसे तो सबने नहा लिया बट एक बार पानी में फिर से नहाएंगे और सी द वेदर. अभी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 9 डिग्री. सुबह यहाँ का टेम्परेचर था 4 डिग्री. देखिए अभी भी उस वाले पहाड़ पे बादल दिख रहे हैं एंड देयर ऑल्सो. सारे सेब के पेड़ है नीचे. अभी चले. गाइस, सो हम रूम में वापस आने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास. यहीं पे नीचे एक छोटा सा वाटरफॉल है, देखते हैं कितना पानी है क्या है. कपड़े तो लेके जा रहे हैं, नहाने का प्लान बनता है या नहीं. चिचूण लग गया इसको. चिचूण डुगू को लग गया है. शिशूण. काफी सारे एप्पल पुलम दिख रहे हैं यहाँ पे. किलमड़ी के पेड़ भी बहुत सारे हैं यहाँ पे और यहाँ फोटो सेशन चालू है. वाओ, डुगू मम्मा की फोटो खींच रहे हैं. घर की याद आ रही है. तो 10-15 मिनट का रास्ता है बता रहे हैं यहाँ के जो लोकल लोग हैं. लेट्स सी कितना टाइम लगता है हम लोगों को. डुगू इज एंजॉयिंग. पहुंच गए हम लोग वॉटरफॉल पे. Thank you.
वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं और ये पीछे का व्यू है बहुत ही सुंदर सा। हाँ, और टिप्पू बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी हमने मैगी ऑर्डर करी तो यहाँ बैठ के मैगी खाएंगे। जस्ट अभी हम लोग होटल से पहुंचे हैं एंड पूरे रास्ते टुकू को गोदी में लेके आना हुआ तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। और अभी हम लोग जस्ट स्टे करेंगे रूम में ही, कुछ खाने पीने का ऑर्डर करेंगे एंड इन्जॉय करते हैं यहाँ का व्यू रात का कैसा होता है। और बादल ना नीचे फिर से आने लग गए हैं, मैं दिखाती हूँ। गाइज ये शाम का व्यू है यहाँ पे, ऑसम व्यू।